नमस्कार, मैं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर में बढ़ते धोखाधड़ी के मामले, चंडीगढ़ के व्यापारी के साथ हुई लाखों की धोखाधड़ी। इंदौर प्रशासन एक्शन में, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही। धूमधाम से मिलेगी माधव सिंधिया की जयंती, कई कलाकार देंगे प्रस्तुति। रामपुरा में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न, कोरोना गाइडलाइन बनाने की अपील की। इंदौर में लगातार आर्थिक गतिविधियों के धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां इंदौर के चार आरोपियों ने चंडीगढ़ के व्यापारी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसमें फरियादी बंसल हैं, जो मूलतः चंडीगढ़ के निवासी हैं। उनके द्वारा एक लिखित आवेदन देकर वरिष्ठ कार्यालय पर शिकायत की गई थी कि इनके जो लोन लिया था संबंध तथाकथित आरोपियों से, और उसके बाद उनने लोन भी वापस किया, लेकिन उसमें कई तरह की अनियमितताएं दिख रही थी और कई तरह के उसमें खाते भी ऐसे आए जो कि लग रहा है कि फर्जी खोले गए हैं। इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, प्रारंभिक जांच करने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। इसमें अभी उनके जो सहायुक्त तो हैं उनको रखा हुआ है, बाकी इसके वो पूर्व से ही कई प्रकरण हैं। इसमें 376 का भी प्रकरण है, साथ ही साथ 420 के प्रकरण हैं, तो पुलिस उसमें भी वांटेड है और इस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने और पीड़ित प्लाट धारकों को न्याय दिलाने के निर्देशन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को इसके सख्त निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में इंदौर शहर में भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में MIG थाना और खजराना थाना क्षेत्र में दर्ज 6 FIR मामलों में 14 से अधिक फरार इनामी भूमाफियाओं की तलाश की जा रही है। इनके साथ ही अब वे लोग जो जमीन धोखाधड़ी से संबंधित थे, उन्हें लंबे समय से पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, उनके खिलाफ भी पुलिस ने एक सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। देखिए, अभी जो हम लोगों ने जो काम किया है वो 173-8 में जिनकी विवेचना चल रही है और आरोपी फरार हैं, इसका पूरा डिटेल हमने पूरे अपने 18 थानों का निकलवाया है और इसमें फरार आरोपियों की कंप्लीट जानकारी कि इनका नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड डिटेल और एड्रेस और जितनी भी चीज़ें हमें मिल जाती हैं वो सारी बनवा रहे हैं हम, और इसके बाद थाना स्तर पे ही एक चर्चा करके इनकी एक कैटेगरी बना रहे हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 10 मार्च को माधवराव सिंधिया की जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों के साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में शहर के प्रसिद्ध गायक राजेंद्र पारिक, शिन्नी कालविंट के साथ कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही माधवराव सिंधिया जी की 76वीं जयंती पर पुष्पांजलि सभा और भजन संध्या में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी का 76वां जन्मदिन है। पिछले 2 जन्मदिन मनाए नहीं जा सके थे, एक बार कोविड था, एक बार होली थी, तो 2 वर्ष के अंतराल के बाद इस बार एक भजन संध्या का आयोजन यहाँ पर किया गया छतरी पर, जिसमें राजन पारिक जी, सुनील कोलाबंड जी, मीणा जोशी जी, कैलाश जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। चूँकि कैलाशवासी माधवराव सिंधिया धार्मिक सद्भाव की के प्रतीक थे, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए चारों धर्मगुरुओं का यहाँ सम्मान भी किया जाएगा और पुष्पांजलि सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उनको दी जाएगी। माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसमें उपस्थित रहेंगे, वे ही धर्मगुरुओं का सम्मान करेंगे। देखिए, माधवराव जी ग्वालियर की एक पूंजी थे और प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि उनको पुष्पांजलि दे, इसी कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता उनको पुष्पांजलि दें। सोमवार को रामपुरा थाना परिसर पर आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें सभी धर्म वर्ग के लोगों को आने वाली आगामी त्योहार जैसे शिवरात्रि, होली को लेकर मनासा SDOP संजीव मुले ने थाना परिसर में शांति समिति की बैठक रखी। इसमें सभी लोगों को कोरोना जैसी महामारी के चलते कलेक्टर ने गाइडलाइन के अनुसार सभी त्योहार मनाने की बात कही है। वहीं इस मामले में SDOP संजीव मुले ने अधिक जानकारी दी है। ये 11 मार्च को महाशिवरात्रि का जो त्यौहार मनाया जाता है,
रामपुरा में परंपरागत रूप से काफ़ी बड़े स्तर पर यह त्यौहार मनाया जाता है, जहां सवारी भोले बाबा की सवारी भी निकलती है और बड़े उत्साह और काफ़ी बड़े स्तर पर यह आयोजन होता है। उस संबंध में आयोजन समिति एवं शांति समिति सदस्यों की मीटिंग ली गई थी एवं अभी वर्तमान जो कोरोना की स्थिति को देखते हुए इसे सांकेतिक रूप से मनाया जाए और जो कोरोना के अपने जो निर्देश हैं उसमें मास्क का पालन, सैनिटाइजर वगैरह इनकी व्यवस्था की जाए, इस संबंध में चर्चा की गई। विकासखंड उदयगढ़ की ग्राम पंचायत उड़ती में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में कई महिलाएं उपस्थित रही, साथ ही इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में जोबट विधायक कलावती भूरिया भी मौजूद रहे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत उड़ती में विधायक कलावती भूरिया ने महिलाओं की मांगों को पूरी करते हुए विद्युत डीपी का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम है, उसमें मैं सभी महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं और महिला उनका हक के लिए लड़ाई लड़े और उसके संबंध में और अपना विधायक दीदी आई है डीपी का उद्घाटन करने जी। उसके संबंध में और नया ये जॉब कार्ड रोजगार गारंटी का जो जॉब कार्ड है वो कार्ड नया वितरण करना और अन्य काम के लिए मैं गांव के लिए रात बेरात आधी रात को लड़ाई लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार से मुद्दा उठा के कोई भी काम जो सरकार के कानून में आता वो काम करवाऊंगा मैं गांव की जनता का। आज पूरा देश राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और हमारी सभी माता बहनों को मैं बहुत सारी हार्दिक शुभकामना बधाई देती हूँ। महिला दिवस पर महिला हमेशा आगे रहे और हर कार्य में आगे रहे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करती हूँ। आज मैं उती गांव में डीपी का उद्घाटन करने के लिए भी आई थी। यहाँ हमारे महिला दिवस भी मना रहे हम और हमारे अन्य कार्य भी चल रहे हैं और अगला हमारा अभी नए जॉब कार्ड भी, बहुत सारे जॉब कार्ड ख़त्म हो गए थे, हमारा सरपंच ने नए जॉब कार्ड भी बनाने के लिए आज जॉब कार्ड भी बंटवा रहे हैं वो। तो बहुत सारी योजना हमारे ग्रामीण लोगों के लिए योजना भी लेकर हम जा रहे जगह जगह। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।